एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो आज हम करने वाले हैं रेज्यूमे रोस्ट। यस, क्या मैं रोस्ट करने वाला हूँ? अरे हाँ यार, रेज्यूमे रोस्ट बोल रहा हूँ तो रोस्ट ही ना करूंगा एंड अच्छा फीडबैक देने वाला हूँ। सो अगर इफ यू आर वेरी वीक एट हर्ट, यू कैनॉट टेक क्रिटिसिज्म, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। एंड आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर अप्लाइंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स, बिकॉज आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो आई विल बी बेटर इफ आई गिव फीडबैक फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स। एंड अगेन I will be doing some resume reviews, not a lot of them, but I'll make sure कि मैं सारे points cover करूँ, so that at the end of the video you have a clear idea कि क्या-क्या points you should not do in your resumes and क्या-क्या points you should definitely have in your resumes, so that you have a clear picture and you can make a very very good resume out of like after watching this particular video. So yeah, without wasting any time, let's get started with the first one. So the first resume belongs to Mayur, and on a very higher point of view looks good. First mistake is I don't see a branch. Okay, BTech in computer engineering is mentioned, and then it's present. So generally recruiters tends to see which year you are ending at. They will not be like 19, 20, 21, 22, 23 is he's ending at 23. Koi bhi plus nahi karne wala dude, the time kisi ke paas nahi hai. Try to write your ending year, that is again very important. You have added LinkedIn, GitHub, Code Chef, Lead Code. So I'm assuming if you have added Code Chef profile, you would be good at Code Chef. I'm assuming if you have added Lead Code, you are good at Lead Code. Like you have done a lot of problems on Lead Code. So let's open both of these profiles. Okay, the moment the Lead Code profile has 36 problems solved. Okay. Assuming 2023 pass out hai, toh I'll be like, ठीक है, solve करना शुरू किया. Rose नहीं कर रहा उसपे. Next. Confidence. मतलब कहाँ से आता है इतना confidence? मतलब zero, one problems, and you're adding that in your resume, and you're giving that for a review. Amazing man. मतलब इतना confidence मेरे को भी लाके दे दो यार. Again projects. Let's open this. Slow claps. जब रेज्यूमे बनाते हो तो ये सब चीजें ध्यान रखो यार. मतलब हाईली डिसअपॉइंटेड. अचीवमेंट्स, टीम मेंबर एट व्हाट इज दिस, क्या है मतलब तुम्हारे कॉलेज के बंदे को पता है, मुझे कैसे पता होगा यार, रिक्रूटर को कैसे पता होगा, इंटरव्यूअर को कैसे पता होगा, ही विल नॉट नो राइट. 346 रैंक, अगेन आई ऑलवेज से कि इतने अनलेस एंड अनटिल इट इज आउट ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स तभी ऐड करो. MHTCET, I'm assuming Maharashtra ka kuch hoga, but I'm not sure. Again, I'm not sure. So why will I go on Google? I don't have that much of time. Right? Skills, frameworks, ongoing, courses. Theek hai, courses link diya. I'm not a big fan of adding courses, but still it's okay. But I think mera resume ka, matlab, mera dil toot gaya jab maine Code Chef pe zero problems dekha, and still it being added. एंड यहाँ पे भी अचीवमेंट में भी लाइक इफ यू डोंट हैव अचीवमेंट ऐड मत करो, बट जबरदस्ती मत ऐड करो. ठीक है, सो दैट विल बी माय रिव्यू फॉर दिस पर्टिकुलर रेज्यूमे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट रेज्यूमे इज ऑफ राहुल गर्ग. ओके, सो राहुल गर्ग इज अ बडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर विद अ गुड होल्ड ऑन लेटेस्ट एल्गोरिथम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड एन लैक ऑफ फेसिंग चैलेंजेस. माय इंटरेस्ट लाइज इन लर्निंग व्हाट्स न्यू इन टेक्नोलॉजी एंड लाइक वर्किंग विद अ टीम ऑफ पैशनेट इंडिविजुअल्स. नहीं, ये नहीं ऐड करते हैं. आपके स्किल्स को बेचो, आपके वर्डिंग्स को नहीं. मैनेजमेंट का जॉब अप्लाई नहीं कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ये. यहाँ पे इंग्लिश के लाइंस मैटर नहीं करते हैं, यहाँ पे आपके प्रोफाइल्स मैटर करते हैं, यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स मैटर करते हैं. गुड होल्डर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, तुम क्यों बोल रहे हो यार, लीड कोड को बोलने दो. चलो लीड कोड खोलते हैं. कोड चेक खोला मैंने, 41 प्रॉब्लम सॉल्व्ड. आई थिंक दैट डज नॉट क्वालिफाइज फॉर गुड इन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स. जीएफजी खोला मैंने, दिस इज गुड, प्रॉब्लम सॉल्व 242, व्हिच आई एम अप्रिशिएटिंग. But again, basic 87, easy 84, medium is hardly 16, which is again good in data structure algorithms. I will not tag you good. 46 over here, again, very less, again, easy 37, hardly any medium. So I'm not sure on what basis have you written good in data structure algorithms, because I don't tag you good unless until you have solved a very good number of medium, or else you're very good at competitive programming, which I don't see. So not good at data structure, like don't write these things, because see, तुमने good बोला, right? तो मैं सोचा भाई अच्छा होगा बंदा, तो मैंने जब profiles खोले मैंने, नहीं यार अच्छा नहीं है. तो अब तुमने competitive programmer भी लिख दिया, code forces का profile ही नहीं है, code chef का भी है, तो hardly 41 problem solved है. And I'm very sure एक दो contest, हाँ तीन contest, total तीन contest part क्यों, तीन contest part करके अगर competitive, तीन contest देके अगर competitive programmer खुद को बोलोगे, त
तो जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है वो क्या बोलेंगे खुद को, है कि नहीं? सो नॉट अ गुड वन यार. वर्क एक्सपीरियंस थोड़ा ऐड करो यार, थोड़ा मतलब दो तीन लाइन और ऐड करो, क्या किए हो, क्या इम्पैक्ट है, नंबर का इम्पैक्ट यार, यानी ये किया इतने नंबर पे किया, जरूरी है यार, नंबर जरूरी है. अगेन ठीक है, मतलब अचीवमेंट्स आई एम अज्यूमिंग. सबसे जो मुझे बुरा लगा जो तुम्हारा राइट हैंड साइड का पोर्शन था, यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स हॉबीज आई ऑलवेज प्रेफर एक या दो पॉइंट लिखो तो ही काफी है. सात पॉइंट है. फिटनेस, सिंगिंग, हेल्पिंग अदर्स, लिसनिंग टू म्यूजिक, हॉबीज चार, मतलब आई एम नॉट अ बिग फैन. एक लिखो ठीक है, तो नॉट अ बिग फैन ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स. सो दिस इज व्हाट माय रिव्यू फॉर दिस विल बी. डोंट ऐड एनी हेडलाइंस, लेट योर रिज्यूमे स्पीक आउट. एंड इफ यू हैव डन एन इंटर्नशिप, ट्राई टू ऐड नंबर्स. What impact have you done? Like, what impact did your work has been on the company? Like, क्या impact company पे रहा आपके work से? Numbers का game है सब कुछ, ठीक है? So ये तो गया राहुल का resume. अब move करते third वाले पे. Before moving to the next resume, I would love to thank the sponsor of this video, which is Relevel. Now, what is Relevel? Relevel is India's first test hiring platform. Now, if you're someone who does not have a degree and you just have skills and you don't have a wonderful LinkedIn connection, or if you're applying to several companies and you're not getting a call back, then Relevel is the perfect platform that you should try out. Now at Relevel, you have a Relevel hiring exam which you have to give, and after that you will be allocated a Relevel score. Using that score, you can apply to various companies that are on their platforms. Now various companies means 50 plus companies, including India's top startups and unicorns like Cred, 1MG, Yellow Messenger, Upgrad, Zoomcar, and many other. Now there are 1,000 plus openings which has three different varieties, which is front-end development, back-end development and business development. So you can check all of them out. Relevel's link will be in the description. So guys, please make sure you check it out and do apply at Relevel. So the next resume is of Mohit Raj. Okay, I'm a very big fan of this template, I must say, because I personally use this. If you want to use this too, there's a link in the description. You can try this template out. It's wonderful, like very clean and very readable. And old fashioned do method, mujhe utne colors nahi pasand hai, to keep it simple. Mohit says 18 to 2022, again very good BTech CGPA. I hope you understand what is missing over here. I don't understand tumhara branch kya, which is a very critical point if I'm a recruiter or an interviewer. For that reason, I understand branch doesn't matter. But a lot of companies, your resume will not get shortlisted kyunki branch added nahi hai. So like I might be missing, but mujhe to dikh nahi raha. The branch is missing. That you have to add it up. Experience, this is what I'm speaking of. Like do teen points likho and thoda impact bhi agar likh sakte ho ki kya helpful raha user dashboard add karne se, kitne users badh gaye tumhare, thoda ye sab likhoge. Hypothetical numbers bhi de sakte ho. It will look good, and resume jab filter hota hai to numbers rehne pe it is easier to get filtered. Technical skills, languages, ye acha laga ki you have classified them. As I said in one of the previous resumes ki classify karo, as an ek skill, framework, languages alag nahi, ek sath uske under classify kar do, which is very good. Again, projects, live code, again impressive. So just a quick point over here, if you are having an Android wala stuff, agar Android ka koi project hai, aisa project hai jo tum shayad nahi dikha sakte ho, so try to record a 1 minute video or 2 minute video. Have it on a YouTube unlisted link, and us unlisted link ko dalo resume mein. That trust me, it works amazingly well. So again, I'm very, very, very impressed with the way that you have written. Bold wagera karke likhe ho. To mujhe saaf saaf dikh raha hai kya tech stack tumko aata hai. Main utna deep mein nahi ja raha hu, but ha, achieved rankings, listed in top 10 mentor. Again, a wonderful achievement. Again, looks very good. So see over here, he did not provide a tagline, but I could understand that he has done a lot of projects. So he's good at development, and then he has done a lot of lead code and GFG, and again extra curricular mein koi hobbies waisa mention nahi hai. To the point resume, so this is a very good resume. So yeah, you can definitely follow this pattern of resume to make yours as well. The link will be in the description. So now let's check out the next one. So this resume is of Vishal, who is currently working at TCS. So I'm assuming he is willing to shift to some better companies, so I will be reviewing in that perspective. So again, a very high level, looks good. Ki koi tagline nahi hai, kuch bhi nahi hai. Looks good. Work experience, again numbers, so that whenever you apply on a career portal, filter out nahi hota hai. Numbers rakhoge to shayad shortlist hone mein easy hota hai. Numbers, what do you mean by numbers? Like you have worked at TCS, right?
यू हैव मेड सम चेंजेस. तो जब चेंजेस करते हो तो कुछ परसेंटेज इम्पैक्ट होता है कि नहीं. हो सकता है कोड फास्ट हो गया, या फिर हो सकता है यूजर्स को प्रॉफिट हुआ, या कुछ तो इम्पैक्ट होता है ना, या फिर हेल्पफुल होता है. तो इम्पैक्ट लिखा करो, इम्पैक्ट नंबर्स के सेंस पे लुक्स वेरी वेरी गुड. ठीक है, उसके बाद राकुटेन अगेन क्वाइट गुड, क्वाइट गुड. थोड़ा बस इम्पैक्ट ऐड कर दोगे तो इट विल बी वेरी गुड. प्रोजेक्ट्स पाइथन ओपन सी वी अगेन गिटहब. एज आई ऑलवेज से इंस्टेड ऑफ एडिंग अ गिटहब लिंक ट्राई टू लाइक ठीक है गिटहब सोर्स कोड आई एम ओके विद सोर्स कोड बट जस्ट लाइक इफ यू हैविंग समथिंग विच कैनॉट बी डेमॉन्स्ट्रेटेड ऑन दैट पर्टिकुलर स्टफ एक वीडियो छोटा सा वीडियो इट लाइक हो सकता है लोग ना देखे बट दैट्स हेल्पफुल टू अ लॉट ऑफ पीपल. ठीक है एजुकेशन ठीक है आई ग्रैड ठीक है दैट्स गुड. सॉल्व 700 प्रॉब्लम्स विच इज अगेन वेरी गुड. फोर स्टार्स कोड फोर्स दैट्स नो नीड टू एड इट इफ यू आर नॉट वेरी गुड रेटेड ओवर देयर यू कैन रिमूव दिस पोर्शन. फोर स्टार इज गुड एनफ. हैकर रैंक ठीक है. रिप्लाई चैलेंज ओके नाइस नाइस. आई गेट अ आइडिया दैट यू हैव बीन एक्टिव. यू माइट नॉट बी वेरी गुड बट या यू हैव बीन एक्टिव एंड यू हैव बीन डूइंग इट. समथिंग विच आई डिड नॉट लाइक इज दिस वन लाइक ये थोड़ा सा वियर्ड हो गया. पहले वाला जिस बंदे ने जैसे लिखा था वैसे लिखते तो बेटर होता बट ठीक है चले मुझे कोई दिक्कत नहीं बिकॉज थोड़ा आई थिंक जगह बच रहा था तो दैट इज वाई यू डिड इट विच इज एब्सोल्युटली ओके टू मी. आई थिंक इट्स अ गुड रिज्यूमे. इट्स अ गुड रिज्यूमे. रियली समथिंग दैट कुड हैव हेल्प्ड मी वाज अ लीड कोड प्रोफाइल. आई कैन नॉट फाइंड दिस बिकॉज थोड़ा सा मतलब कोड चेक ठीक है. प्रॉब्ली लीड कोड प्रोफाइल एडिशन विल डू गुड. आई कुड नॉट रोस्ट दिस बिकॉज पॉइंट्स नहीं है. सो इट वॉज इन डीड अ गुड रेज्यूमे. फोटो वगैरह भी है तो या इट वॉज अ गुड वन. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो दिस विल बी द लास्ट रेज्यूमे दैट आई विल बी रिव्यूइंग व्हिच इज ऑफ विक्रांत सिंह तोमर. अगर मैं आंख में पट्टी बांध के देखूँ तो बहुत सही लग रहा है. आंख में पूरा पट्टी बांध दिया मतलब फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ सही है. अब आपसे पट्टी उतारता हूँ अब पढ़ता हूँ. ओके विक्रांत ने बोला है उनके टेक्निकल स्किल्स ने आई थिंक 20% तो स्किल्स को कवर करने में ले लिया. आई थिंक 25% तो कोर्स और स्किल्स नहीं ले लिया रेज्यूमे का. एंड एजुकेशन ठीक है. अगेन दिस इज समथिंग विच आई ऑलवेज से यू शुड कीप इट एट द टॉप. मतलब आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कीपिंग दिस एट द बॉटम क्योंकि पीपल टेंड टू लुक एट योर पासिंग ईयर एंड एवरीथिंग एल्स. के नॉट अ बिग थिंग. फॉरेस्ट प्रोजेक्ट्स वगैरह भी है. अगेन बोल्ड 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 करो बोल्ड करो बोल्ड करो. बोल्ड इज वेरी जरूरी. इंटर्नशिप्स ओ भाई साहब एक्स्ट्रा करिकुलर्स मतलब जस्ट लुक एट दिस जस्ट लुक एट दिस. ये 100% अगर मैं 100% लू रेज्यूमे का ये पता है कितना परसेंट है रेज्यूमे का. अरे 25% से ज्यादा है. और ये 50% तो कचरा भरा हुआ है रेज्यूमे में. कचरा लिटरली कोई काम का नहीं है. एक्स्ट्रा करिकुलर्स पब्लिक रिलेशंस हेड लीड डेवलपर स्टूडेंट क्लब ठीक है. डेवलपर से तो कुछ डेवलपर वाला काम ऐड किया होगा. मैनेजिंग द सोशल मीडिया हैंडल्स मतलब what am I hiring? Am I hiring a software engineer or machine learning engineer or an android engineer or someone as a digital marketing guy? You need to understand this man. इतना जगह जब कोई चीज को दे रहे हो एक लाइन दे रहे हो तो समझ में आता है. इतना जगह जब दे रहे हो तो इधर आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए चले जाओ वही बेटर है आपके लिए. स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर मैनेजिंग द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द इवेंट बहुत बहुत बढ़िया काम. वॉलंटियर इन वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द इवेंट बहुत सही है. इवेंट कोऑर्डिनेटर मैनेजिंग द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द इवेंट ठीक है. I don't know what's. मैंने कुछ दिन पहले रेज्यूमे देखा था तो 7 lines लिखे हुए थे. मिस्टर फ्रेशर मतलब क्या क्या नहीं लिखा हुआ था उसमें. यार ये सब बंद करो यार बंद करो. क्लास में मॉनिटर रहे हो मुझे नहीं फर्क पड़ता है. मुझे फर्क पड़ता है प्रोजेक्ट्स क्या है. मुझे फर्क पड़ता है प्रॉब्लम सॉल्व किए हो. मुझे फर्क पड़ता है कहाँ इंटर्नशिप किए हो. अगर नहीं भी किए हो तो प्रोजेक्ट्स है. मुझे फर्क पड़ता है बाकी चीजों से. मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम कहाँ के मॉनिटर हो. तुमने कौन सा फेस्ट ऑर्गेनाइज किया है. ट्रस्ट मी आज से अंटिल तुमने उसमें कुछ डेवलप किया है. तुमने कुछ सॉफ्टवेयर बना दिया उस फेस्ट के लिए जो काम है. दैट इज व्हेन इट मैटर्स. दिस शिट डजंट मैटर ट्रस्ट मी यार. अचीवमेंट फर्स्ट स्कूल रैंक नेशनल साइबर ओलंपियड नेशनल कडाट कॉप स्कैम गेन सर्टिफिकेशंस आर ऑफ नो वैल्यू ट्रस्ट मी. डोंट ऐड इट लाइक पाइथन सी प्रोग्रामिंग है तो कुछ किए हो तो ठीक है. एंड सर्टिफिकेशंस ट्रेड ओवर. सो लिटरली इन योर एंटायर रेज्यूमे ओनली दिस मच वॉज मेड सेंस टू मी. प्रोग्रामिंग में सी सी प्लस प्लस अगेन डेटाबेस बहुत ज्यादा जगह ले लिया. कोर्स वर्क भी पूरा लिख भी रहे हो तो पूरा नहीं लिखे हो जितना है तुम्हारे कोर्स वर्क में. अगेन वेरी 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 डीपली डिससैटिस्फाइड विद दिस रेज्यूमे. आई विल नेवर एवर रेफर दिस. सो आज का रोस्टिंग सेशन यही तक था. आप सोचोगे इतना जल्दी खत्म हो गया. हाँ मैंने जानबूझ के 4 रेज्यूमे ही पिक किया था.
सो दैट कम टाइम में मैं आपको ज्यादा दे पाऊँ। लाइक एक बहुत परफेक्ट रेज्यूमे पिक किया, बाकी तीन ऐसा पिक किया जहाँ जो मोस्ट कॉमन गलतियां लोग करते हैं वो कर रहे थे, सो दैट यू गेट अ फेयर बिट ऑफ आइडिया कि आपको क्या गलती नहीं करना है, एंड यू ऑल्सो गेट एन आइडिया कि बेस्ट टेम्पलेट कौन सा हो सकता है। तो लिंक चेकआउट कर लेना डिस्क्रिप्शन पे, सो दैट यू गेट द बेस्ट टेम्पलेट। एंड यार इसी के साथ इस वीडियो को रैपअप करते हैं। अगर यहां तक वीडियो देख लिया है तो लाइक कर देना, एंड अगर आपने हमारा दूसरा चैनल जो है चेकआउट नहीं किया, व्हिच इज टेक यू फॉरवर्ड, दैट्स कंप्लीटली फॉर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, सो प्लीज प्लीज मेक श्योर यू चेक इट आउट एंड डू सब्सक्राइब टू दैट। एंड इफ यू न्यू टू दिस, प्लीज प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस एज वेल। एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को रैपअप करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।